नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ पिज्ज़ा। और चीज़ पिज्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा ली है डो लगाने के लिए, आधा कप मैंने गुनगुना दूध लिया है, 1 छोटे चम्मच चीनी ली है, आधी छोटी चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने ड्राई ईस्ट लिया है और 3 छोटे चम्मच मैंने यहाँ तेल लिया है। तो सबसे पहले हम एक बाउल में दूध डाल देंगे। दूध थोड़ा गुनगुना है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारी चीनी घुल चुकी है। तो अब मैं इसमें ड्राई ईस्ट डाल देती हूँ। 1 चम्मच यहाँ मैंने ईस्ट डाल दिया है और इसे थोड़ा परमिट होने देते हैं। तो 10 मिनट के लिए हम इसे अलग रख देते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा ईस्ट भी अच्छे से बबल्स आ गए हैं, फूल गया है। तो अब मैं इसमें मैदा छान देती हूँ। देखिए मैंने मैदा छान दी है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 छोटी चम्मच तेल डाल दूंगी। हाथों को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, तो अब हाथों की सहायता से हम सबको मिला देंगे। हमें पानी की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो है हमारा। हमें डो बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए। तो मैंने 1 कप मैदा में आधा कप दूध लिया था। ये देखिए अब यहाँ मैंने किचन प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैं इस पर थोड़ा सा तेल लगा दूंगी और जो हमने यहाँ डो तैयार किया है वो डाल दूंगी और इसे हमें अच्छे से मसलना है। अच्छे से मथना है इसे और सारा डो निकाल लेंगे। हम इसे अच्छे से मसल कर इस तरह चिकना कर लेंगे। ये जब हम अच्छे से मसलेंगे तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट डो हो जाएगा हमारा। तो आप इसे 5-10 मिनट के लिए अच्छे से मसल लीजिए, ले लीजिए और फिर इसे अच्छे से मसल लीजिए। हम इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इस पे थोड़ी सी सूखी मैदा डाल देंगे और फिर इसे इस पर मसल लेंगे। इस तरह अच्छे से मसल लीजिए। ये देखिए हमने थोड़ी सी सूखी मैदा छिड़क कर इसे अच्छे से मसल लिया है। ये अच्छे से चिकना हो गया है। तो हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ये देखिए हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाकर मैं इसे और मसल लूँगी। इधर जिस बाउल में हमने डो लगाया था वो धोकर हमने साफ कर लिया है। तो अब हम इसे बाउल में रख देंगे। मुझे इसे मसलते हुए 10 मिनट हो चुकी है, तो अब मैं इसे बाउल में रख दूँगी। जिस बाउल में हमने डो लगाकर तैयार किया था उसे भी हमने क्लीन कर लिया है। अब मैंने यहाँ अच्छे से मसलते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसे बाउल में लगा दूँ। अब हम इसे बाउल में लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह अंदर की तरफ देते हुए इस तरह इसकी लोई बना लेंगे। ये देखिए
ये देखिए बनाकर मैंने तैयार कर लिए। बाउल के थोड़ा सा तेल लगा देंगे, बाउल की थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे। और अब हम इसे किसी गर्म स्थान पर ढककर रख देंगे। ये देखिए हमारे डो को 2 घंटे हो चुके हैं, तो हमारा डो फूलकर अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा फूलकर तैयार हो गया है। तो अब मैं पिज्ज़ा रेडी करूँगी। पिज्ज़ा रेडी करने से पहले हम कढ़ाई को फ्री हीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं, गैस ऑन करते हैं। ये देखिए यहाँ हमने कढ़ाई गरम कर ली है। अब मैं इसमें 1.5 कप नमक डाल दूंगी। ये हमारा यूज में किया हुआ नमक है, यूज में लिया हुआ नमक है। और अच्छे से नमक को फैला दूंगी। अब कढ़ाई को ढककर हम मीडियम गैस पर 10 मिनट के लिए इसे फ्री हीट कर लेते हैं, जब तक हम हमारा पिज्ज़ा रेडी करते हैं। मैंने गैस मीडियम कर दी है और 10 मिनट के लिए इसे फ्री हीट करने के लिए रख दिया है। ये देखिए हम हमारा डो अब निकाल लेते हैं। तो इसे इस तरह निकाल लेंगे और किचन प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी मैदा डस्ट कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे निकाल कर इस तरह दबा कर पिज्जा बेस तैयार करेंगे। हम स्टील की प्लेट में बनाएंगे पिज्ज़ा, इसलिए मैं इसे भी तेल से ग्रीस करके अच्छे से डस्ट कर लूँगी। इस तरह इसे अच्छे से डस्ट कर लूँगी। इस तरह हम हाथों से हमारा पिज्ज़ा फैला देंगे। पिज्ज़ा हमें मोटा ही रखना है और किनारों पे से थोड़ा ज़्यादा मोटा रखना है। इस तरह पिज़्ज़ा फैला देंगे और इस प्लेट में लगा देंगे। अब हम उठाकर इसे प्लेट में लगा देंगे। इस तरह लगा लीजिए और इस तरह से इसके किनारे दबा दीजिए। ये देखिए हमने इसे अच्छे से फैला दिया है। अब मैं इस पर सॉस लगा दूंगी, जो हमने पिज्ज़ा सॉस तैयार किया था। पिज्ज़ा सॉस का वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है। तो किनारे छोड़ते हुए हमें अच्छे से सॉस लगाना है। तो इस तरह सॉस लगा दीजिए चारों तरफ। अब हम इसके ऊपर चीज डालेंगे। और एक फोक की सहायता से हम इसे अच्छे से दबा देंगे, ताकि हमारा जो पिज्जा सॉस है और चीज है वो थोड़ी अंदर तक चली जाए। इस तरह फोक की सहायता से दबा दीजिए। ये देखिए मैंने इसे फोक की सहायता से दबा दिया है। अब मैं इस पर थोड़ी सी चीज़ और डालूंगी। तो इस तरह हम इस पर थोड़ी सी चीज़ और डाल देंगे। ये देखिए इस तरह हम पूरी चीज़ डाल देंगे इस पर। अब हम इस पर टॉपिंग लगाएंगे। तो यहाँ मैंने पीली वाली शिमला मिर्च ली है, वो लगा देंगे। हरी शिमला मिर्च ली है, वो लगा देंगे। इसे मैंने लंबे टुकड़े में काट लिया है। हमने यहाँ लंबे लंबे प्याज लिए हैं, वो लगा देंगे। अब हम इस पे टमाटर लगा देंगे। इस तरह टमाटर लगा दीजिए।
ये देखिए हमने इस पे 4-5 टुकड़े टमाटर लगा दिए हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा लगा लीजिए। पर कसकर थोड़ा सा चीर डाल देते हैं। अब हम इस पे किनारों पे थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तो ब्रश की सहायता से हम इसके किनारों पर थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। तो अब मैं इसमें एक स्टैंड डाल दूंगी। हमें नमक से ऊपर रखना है प्लेट को, तो मैं इसमें एक स्टैंड डाल दूंगी और अब हम इसमें आराम से प्लेट डाल देंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो इस तरह ढक दीजिए उल्टा और ढककर पका लेंगे। हम इसे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस मैंने मीडियम रखी है, आप मीडियम गैस पर इसे 10 मिनट के लिए पका लीजिए, फिर हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम हमारा पिज्ज़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए इतना परफेक्ट पिज्ज़ा बना है हमारा और ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी। मैंने गैस बंद कर दी है और पिज्ज़ा को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारा पिज्ज़ा थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो मैं इस पर थोड़ी सी काली मिर्च डाल देती हूँ। इस तरह थोड़ी सी काली मिर्च डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने थोड़ी सी यहाँ काली मिर्च डाल दी है। अब मैं इसे कट कर लूँगी, तो इस तरह हम हमारा पिज्ज़ा कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पिज्ज़ा कट कर लिया है हमने। अब मैं इसे ये देखिए कैसे जालियाँ पड़ गई है हमारे पिज्ज़ा में, और ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो इस तरह आप पिज़्ज़ा ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब व लाइक कीजिए।